I'm quite excited about it because एक तो लंबी लेंथ मिलती नहीं है. वी कटिंग अ टू मिनटर नॉर्मली वी डू 50 सेकेंड और मिनट वाली चीज़. सेकेंडली आई थिंक वी डन 12-14 सिचुएशन 5 दिन के अंदर. थर्डली बिकॉज वी वर्क विथ सो मेनी फॉरन डीपीज, इसमें काका था बिकॉज काका इज़ वेरी वर्सेटाइल इन इज फ्रेमिंग. तो हम लोगों ने हर सीक्वेंस को डिफरेंट तरीके से फ्रेम किया और डिफरेंट तरीके से लाइट किया. कुछ जगहों पर वी हैव बिन वेरी रिजिड, कुछ जगहों पे हम लोग बहुत हैंडल्ड रहे हैं, कहीं पे हमने डॉलीज बहुत यूज़ किए हैं, फिर एक जगह बास्केटबॉल सीक्वेंस पे वी वेंट विद द जिब्स. सो हर सिचुएशन को हमने लाइट वाइज और टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया था. सो होपफुली वो रिजल्ट नज़र आना चाहिए. He's very good experience, and also he had the own show to think about the song and after how to direct the people and how to make it the song come to be more famous and more common in Kalawaji. Exciting for us. We've been working on this project for a very long time, and it's a very, very big production. Lots of people are involved. Every day we've got a different set of people to work with, so it's been really, really exciting. Hello. Can you hear me? Now put your hands in the air. So we're trying to put together pieces of an everyday lifestyle of how a person who's young at heart behaves throughout his day with friends, especially because we are celebrating life with friends and we are celebrating friends. हाँ, आज हम अपने एक बहुत प्रेस्टीजियस क्लाइंट वारिद के यूथ ब्रांड ग्लो का म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं. ग्लो में इससे पहले हमने यूथ के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किए हैं जिनमें म्यूजिक और स्पोर्ट्स है. आज हम उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट दोस्ती को बेस करके एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं. आज हमारी शूट है वारिद ग्लो. दिस एड इज बेसिकली बेस्ड ऑन यूथ. दे नो व्हाट दे डूइंग. फौरन से काम खत्म कर देते हैं. 4 दिन में मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस हुए बिकॉज हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस थी, डिफरेंट मॉडल्स थे. इट्स बीन 3 डेज, दिस इज द लास्ट डे एंड हैविंग सो मच फन. इट वाज अ चैलेंज शूटिंग दिस कमर्शियल बिकॉज वी हैड सो मेनी सिनेरियोस एंड सो मेनी सीक्वेंसेस एंड सो मेनी लोकेशंस एंड वी हैड टू फिट देम इन 4 डेज. द अदर थिंग वाज के द साउंड रॉक्स बाय द वे. और व्हेन वी वर ऑल सिटिंग इनसाइड द ऑफिस एंड टॉकिंग अबाउट इट, हम लोगों को ये था कि डांस को एज अ डांस ना लें. आई नो कई जगहों पे लगेगा आपको कि डांस बहुत लग रहा है, बट आई थॉट कि वो सिचुएशन कमांड कर रही थी. जिस तरह हम लोगों ने प्रिंसिपल के बाहर वाला सीक्वेंस किया तो ही नेवर लीव्स द बेंच. जब हम लोगों ने क्या कहते हैं किचन में किया है तो किचन में यू नो शी इज़
बाय हर सेल्फ द फोन, तो वो अपने दिमाग में चीज़ें कर रही है. दोस्तों की लाइफ में दोस्ती का रूल है, अपने यार बेस्ट है, अपना क्यों भूल है. ये दोस्ती